आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि HTML कोडिंग के माध्यम से आप मार्क्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, मार्क्यू के माध्यम से किसी भी मैटर को अपने इंटरनेट पेज पर मूवमेंट कैसे करा सकते हैं, यानी एनिमेशन के तरीके से को मूवमेंट कैसे करा सकते हैं टेक्स्ट को। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो कंपलसरी टैग होता है HTML है टाइटल वगैरह, वो आप यहाँ पे पहले से नोट डाउन मैंने कर दिया, आप भी नोट डाउन कर लेंगे। सिंपल सा मैं मैटर ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए किसी भी मैटर को चलाना है तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना होता है पहले MARQ लिखेंगे और यहाँ पे मैं कोई मैटर लिख देता हूँ, जिससे जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया RCTI ज्ञान, और मान लीजिए कि इस मैटर को हमें मूव करना है HTML पे पेज पे, इसको मूव कराना है तो यहाँ पे हमने MARQ क्लोज कर दिया। सिंपली आपको पहले पेज को सेव कर लेना होगा, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं MARQ नाम से ही इस फाइल को सेव कर देता हूँ, MARQ.html। कोई भी फाइल सेव करेंगे .html ज़रूर लगाएंगे, तभी जाके आपका वेब पेज कोडिंग जो होती है HTML की वो वर्क करेगा। सेव करते हैं और इसको जो हाँ मैंने सेव किया ही ड्राइव में, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ MARQ वाले फोल्डर को, यहाँ से M प्रेस करके ये देखिए MARQ वाला फाइल हमारी आ गई। यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पे जो RCTI मैंने लिखा तो यहाँ पे बाकायदा मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको मान लीजिए कोई इसके लेफ्ट से या फिर राइट से मूवमेंट कराना है, जिसे बाय डिफ़ॉल्ट राइट से आ रहा है, हमें लेफ्ट साइड से मूव कराना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, आपको सिंपली एक मैटर में और बना के दिखाता हूँ आपको, BR से ब्रेक कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली यही मैटर कर लेता हूँ, पहले कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर दे रहा हूँ पेस्ट। यहाँ पे MARQ में आपको लिखना है सिंपली DIRECTION MARQ डायरेक्शन इक्वल इंटेड कॉमा, और यहाँ पे आप डायरेक्शन दे देंगे, जैसे मान लीजिए लेफ्ट राइट, मैं लेफ्ट दे देता हूँ तो लेफ्ट साइड से ये मूवमेंट करेगा, यहाँ से लेफ्ट मैंने कर दिया। इसको करेंगे सबसे पहले सेव और यहाँ पे अपने पेज पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी दोनों लेफ्ट से ही आ रहे हैं। अब मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ राइट, RIGHT राइट। अब राइट लिख के एक बार सेव किया, सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा, देखिए एक यहाँ से लेफ्ट से मूव कर रहा है और एक ये राइट से मूवमेंट कर रहा है। इस तरीके से MARQ डायरेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, अप और डाउन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताने वाला हूँ, अगर मान लीजिए इसके पीछे हमको बैकग्राउंड लगाना है या कोई दूसरा मैटर, एक सिंपल से मैं मैटर दूसरा बना लेता हूँ, यहाँ पे BR लिखता हूँ, BR से ब्रेक। आपको मैं 2-3-4 टैग चार तरीके से टैग के बारे में बताऊँगा, MARQ टैग अलग अलग तरीके की, इसकी स्पीड स्लो करना भी बताऊंगा, कैसे स्लो कर सकते हैं कैसे फास्ट, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ MARQ और यहाँ पे अगर आप लिख देंगे BG कलर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे कोई भी कलर का नाम मैं इंडिकेट कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रीन इंडिकेट कर दिया है, और उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ मैटर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रेस कंप्यूटर, और ब्रैकेट में हमने यहाँ MARQ क्लोज कर दिया। अब इसको हम करेंगे सिंपली सेव, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक यहाँ पे ग्रीन कलर की पट्टी आई है, लाइन आई है, और उसके अंदर ये मैटर आपका मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि BG कलर इसमें दे दिया है। मैटर का कलर भी अगर आपको बदलना है तो सिंपली जो मैटर का कलर, इससे पहले भी मैंने वीडियो दिया हुआ है आपको, फॉन्ट कलर इक्वल इंटेड कॉमा लिख के कलर आप कोई भी दे सकते हैं। सेव करेंगे कंट्रोल एस से और अपने दूसरे पेज पे आएंगे, या फिर क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, या F5 बटन से रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये जो स्पीड इसकी है, इसकी स्पीड को स्लो और फास्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए भी टैग है, तो कैसे करना होगा, मैं इसी पूरे लाइन को कर ले रहा हूँ पहले कॉपी, ताकि मैं आपको दोनों में डिफरेंट दिखा सकूँ कि दोनों में फ़र्क कितना होता है स्पीड का और कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने BR से पहले ब्रेक कर लेता हूँ थोड़ा, उसके बाद उसी मैटर को हमने पेस्ट कर दिया, लेकिन इसका ग्रीन, ये जो बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, ये ग्रीन के जगह पे मैं इसमें BLUE ब्लू कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा पहले चेंज हो जाए, ताकि आपको पता चले किसमें कितनी स्पीड। अब देखो दोनों की स्पीड अभी समथिंग सेम है। अब हम चाहते हैं जो ब्लू कलर वाला है, ये थोड़ा मैटर, ये जो मैटर लिखा हुआ है इसके अंदर, ये थोड़ा जल्दी से मूवमेंट करे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी जो ब्लू के आगे आप स्पेस करेंगे, इसी में SCROLL स्क्रोल AMOUNT अमाउंट लिखेंगे और इक्वल इन्वर्टेड कॉमा लगा के मान लीजिए हमने यहाँ 20 कर दिया। अब हम सिंपली फिर से इसको करेंगे सेव, सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है रिफ्रेश कर देना,
देखिए इसकी स्पीड ये काफ़ी ज़्यादा मूव है, जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा जब तक कि ये दूसरी बार भी एक बार रिटर्न मूव हो चुका है, और हम इस तरीके से इसकी स्पीड काफ़ी स्लो कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको स्लो करके दिखाते हैं। यहाँ पे 0 हटा दे रहा हूँ, बहुत स्लो कर दे रहा हूँ, 2 कर दे रहा हूँ, केवल स्क्रॉल अमाउंट जो है उसको 2 कर दिया और सेव पे क्लिक किया। उसके बाद अपने पेज पे रिफ्रेश कर देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर की बैकग्राउंड थी लाइन में, ये काफ़ी तेज उसके आगे मूव कर रहा है, जबकि ये बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है। आपने अक्सर देखा हो किसी वेबसाइट में ऊपर टाइटल बार में या फिर पेज में, पेज का जो टाइटल होता है उसमें इस तरीके से कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम या कॉलेज का नाम या कुछ जो है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह ऐसे ब्लिंक करते रहते हैं या ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, कोई एड्रेस मूव करता रहता है, कॉन्टेक्ट मूव करते रहते हैं, तो उसको हम HTML कोडिंग में मार्क्यू टैग की मदद से बना सकते हैं। आई होप आपको ये सारे टैग समझ में आ गए हों। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरीके के HTML कोडिंग और भी सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड और भी टेक्निकल वीडियोस पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।